Hello students, welcome to Grisha Conceptual Classes. In this video, we will be doing question number 3 from exercise 7.2, chapter 7, Triangles. देखते हैं सबसे पहले question में क्या लिखा है. ABC is an isosceles triangle. ये ABC जो है, it is given कि ये isosceles triangle है. अब isosceles triangle है तो कोई दो sides equal होंगी. तो पहले वो देखते हैं कौन सी दो sides equal हैं. Equal sides AC and AB. AC और ए बी इक्वल है तो हम गिवन में लिख देते हैं ये चीज दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी. ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्वल साइड ए सी एंड ए बी. ठीक है. ऑल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन. ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं, इसका मतलब क्या है कि एंगल ए ई बी is equals to angle BEC is equals to 90 degrees है. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है. और दूसरी चीज एंगल AFC is equal to angle BFC is equals to 90 degrees है. ठीक है, ये चीज हमें दी हुई है. प्रूव करना है कि ऑल्टीट्यूड जो हमने ड्रॉ किए हैं वो इक्वल है. मतलब टू प्रूव में हमारे पास है दैट बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ. यही ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करे हैं, बी ई ड्रॉ कराए और सी एफ ड्रॉ कराए. तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल. अब ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स हम किसी भी चीज को इक्वल कैसे प्रूव करते हैं, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके. या फिर अगर वो दोनों लाइन्स जो है एक ही ट्राइंगल का पार्ट है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल करके. अब यहाँ पर बी ई और सी एफ जो है वो एक ही ट्राइंगल का पार्ट तो बन नहीं रहे हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो ट्राइंगल्स ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं जहां पर हम इस जहां पर ये दोनों लाइंस ऑल्टीट्यूड लाई कर रहे हो और हम उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सके. तो देखो मैं दो ट्राइंगल्स लिख रहा हूं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो क्या है. इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल सी ई बी, दो ट्राइंगल्स मैंने लिखे हैं बी एफ सी एंड सी ई बी. अगर आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आ रहे हैं तो लेट मी ड्रॉ दिस इज एफ, ये 90 डिग्री है, दिस इज बी एंड दिस इज सी. एक ट्राइंगल तो ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल बन रहा है कुछ इस तरह से, दिस इज बी दिस इज सी एंड दिस इज ई, अगेन दिस एंगल इज 90 डिग्री. कॉमन बेस है दोनों का बी सी और बी सी, इसीलिए मैंने यहाँ ये दोनों ट्राइंगल्स इस वाली फिगर में ओवरलैप्ड है क्योंकि बी सी बी सी कॉमन है. मैंने यहाँ अलग अलग तरह से आपको दिखा दिए. ठीक है, तो इसमें देखो एक चीज तो हमें दिख रही है एंगल बी एफ सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज ईच. ठीक है, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 90 डिग्रीज करेक्ट. बी सी इज इक्वल्स टू बी सी कॉमन है, ये और ये आपस में कॉमन है. तो अब क्या चाहिए मुझे, अब मुझे चाहिए एक एंगल. क्यों, यहां पर एंगल है यहां पर साइड है, इन दोनों के बीच में या तो ये एंगल या ये एंगल, तो बाय डबल ए एस मैं इसे इक्वल प्रूफ कर सकता, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं. अब वो कैसे आएगा, देखो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी. रीजन हम लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी विच इज गिवेन टू अस, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयर फोर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. तो अगर हम यहां देखें तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है,
इस वाले ट्राइंगल में, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल सी, ये पूरा एंगल, और ये पूरा एंगल कहाँ लाए कर रहा है, इस वाले ट्राइंगल में। तो अगर हम इसको ये लिखना, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी, ठीक है। तो बाय ए ए एस, ए ए एस कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, देयर फोर ट्राइंगल एफ बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, कौन कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, एफ बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एफ के ऑपोजिट आना चाहिए ई, तो एफ के ऑपोजिट लिख दिया हमने ई, बी के ऑपोजिट आना चाहिए सी, तो यहां पर बी के ऑपोजिट लिख दिया सी, और लास्ट में बचा बी, तो एफ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई सी बी, ठीक है, बाय डबल ए एस क्राइटेरिया। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाय सी पी सी टी देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमें क्या चाहिए, सी एफ, सी से एफ तो यहां जाएंगे बी से ई, तो देयर फोर सी एफ इज इक्वल्स टू बी ई बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हेंस प्रूव्ड बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, सी एफ इज इक्वल्स टू बी ई, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, आइडेंटिफाई करने थे दो ट्राइंगल्स, और यहां पर हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी है, दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ए बी और ए सी हमें इक्वल दिए हुए हैं, तो उसकी वजह से ये दो एंगल्स इक्वल आ गए, एक एंगल हमें 90 डिग्री दिया हुआ है और एक साइड कॉमन है, तो बाय डबल ए एस ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। तो बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने को बोला हुआ था वो हमारा प्रूव हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन थ्री कंप्लीट, क्वेश्चन फोर इसका ऑपोजिट है, वहां पर हमें ये इक्वल दिए हुए हैं और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं और आइसोसेलेस प्रूफ करना है, सो जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर फोर इन अ नेक्स्ट वीडियो।